हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी वीकली सीरीज नेक्स्ट वीक बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की, यानी जो 27 अप्रैल से वीक शुरू हुआ उसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं डीआईआर एफआई की सेलिंग की। जो अभी तक डीआईआर एफआई की सेलिंग चल रही थी इस वीक में, अभी तक इस वीक में एफआई ने 1650 करोड़ से ज्यादा की बाइंग की है, और साथ ही साथ अगर डीआई को देखें तो डीआई ने 2900 करोड़ से ज्यादा की बैंक की है इस वीक में। हालांकि अभी तक देखें तो अप्रैल में एफआई ने 5200 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की, और साथ ही डीआई ने भी अप्रैल में केवल 170 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग हुई, क्योंकि लास्ट वीक में काफी बाइंग हुई है। तो देखना होगा कि आगे ये बाइंग कंटिन्यू रहती है या नहीं। तो निफ्टी की अगर बात करें तो वीकली, इस वीकली निफ्टी में मजबूती देखी गई। निफ्टी ओपन हुआ 9260 पर, और फ्राइडे को निफ्टी ने 9860 पर क्लोजिंग दी। जैसा कि हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि निफ्टी में 9400 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगा तो निफ्टी 9600 से 97800 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वही हुआ, तो निफ्टी ने 9800-9900 तक के लेवल टच करने की कोशिश की। अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक में अब ये जो 9400 का जो रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा, और हमें लगता है कि 9400 के सपोर्ट को निफ्टी इस वीक में नहीं तोड़ना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि इस वीक में निफ्टी 10000 से लेकर 10300 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। अगर 9400 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 9200 से 9000 तक के लेवल भी देख सकते हैं इस वीक में। कोरोना वायरस का कंसर्न अभी कंटिन्यू है। अभी तक 34 लाख से ज्यादा कंफर्म केस हो चुके हैं और 2.4 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर इस वीक की बात करें तो इस वीक में 27 अप्रैल को पीएम की सारे सीएम्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग थी, जो जिसमें कि सारे चीफ मिनिस्टर के साथ, जो कि लॉकडाउन से रिलेटेड थी, और केवल मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सारे सीएम ने लॉकडाउन को हटाने के लिए ही बोला था, लेकिन अभी लॉकडाउन कंटिन्यू हुआ। 28 अप्रैल को एफओएमसी की मीटिंग थी, और साथ ही साथ बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया, जो कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं किया बैंक ऑफ जापान ने। 29 अप्रैल को एफओएमसी की मीटिंग का आउटकम आया, जिसमें कि एफओएमसी ने यह कहा कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे इकोनॉमी के लिए, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को उन्होंने 0 से 0.25% के रेट पर ही रखने की बात की है, और कोई उसमें फर्दर रेज की बात नहीं की है। साथ ही साथ जो क्रेडिट वर्थीनेस के लिए, क्रेडिट फ्लो के लिए जो अपना क्यूई प्रोग्राम वो चला रहे हैं, वो कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ यूएस के क्वार्टर वन के जीडीपी के नंबर भी आए, जो कि -4.8 थे, हालांकि फोरकास्ट -4% था, और लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो वो 4.8% थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो काफी खराब जीडीपी के नंबर रहे। 30 अप्रैल को वीकली बेस पर यूएस जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, जो कि करीब 3.839 मिलियन थे 25 अप्रैल को वीक क्लोज में, और प्रीवियस वीक में जो कि 4.427 थे, तो उससे काफी कम होते जा रहे हैं। हालांकि वीक बाय वीक ये काफी कम होते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक, अगर इस महामारी की वजह से अभी तक 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशंस फाइल की हैं। साथ ही साथ नेशन वाइड लॉकडाउन को 17 मई तक 2 हफ्तों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। फ्राइडे को 1 मई था, महाराष्ट्र डे की वजह से मार्केट क्लोज था। नेक्स्ट वीक की बात करें तो मंडे को 4 मई को निक्केई के मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे इंडिया के अप्रैल के लिए। साथ ही साथ 6 मई को वेडनेसडे को चाइना के सर्विस पीएमआई के आंकड़े आएंगे अप्रैल के मंथ के। साथ ही थर्सडे 7 मई को यूएस जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे, और साथ ही 7 मई फ्राइडे को इंडिया के बैंक लोन ग्रोथ के और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल टैक्स फॉर वेल्थ को देखते रहें, और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।